अस्सलाम वालेकुम, मिसेस आज़म्स किचन में वेलकम, खुश आमदीद। आज हम आपसे रेसिपी शेयर करेंगे चपली कबाब की, जो बहुत ही इजी है। इसके लिए आप मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत ही इजी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। ये मैंने 1 kg बीफ कीमा लिया है। ये देखें कितना बारीक है और बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और बहुत बारीक हो ताकि आपके कबाब बहुत अच्छे बने, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए, पानी बिल्कुल निकला हुआ हो इसका। मैंने 3 tablespoon कॉर्नफ्लोर लिया है। मैंने 1 medium प्याज और 1 छोटा टमाटर उसका हाफ लिया है और उसका पेस्ट बना लिया है। कुटा हुआ धनिया है, हसबे जायका नमक है, 2 tablespoon अदरक लहसुन है कुटा हुआ, 1 teaspoon धड़ा मिर्च है, 1/2 teaspoon हल्दी है, 1/2 teaspoon काली मिर्च है, 1 tablespoon मेरे पास, 1/2 tablespoon या 1 tablespoon आप ले लें गरम मसाला, 1/2 teaspoon लाल मिर्च है। सब कुछ कीमे में ऐड कर देंगे। प्याज मैंने, मैं फिर बता रही हूँ आपको, प्याज मैंने 1 medium लिया है और जो टमाटर है वो बिल्कुल छोटा वाला लेके उसका हाफ लिया है, ज़्यादा टमाटर नहीं डाला, ठीक है। मैंने कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया। मैं इसमें अब ऑयल ऐड करूँगी और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैं चिली कम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, मैं सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करने के बाद मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं ये ट्रे ले रही हूँ, इसके अंदर मैं बना के रखती जाऊँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लें अपने हाथों पर, अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जितना आपने चपल कबाब बनाना है इतना कीमा हाथों में लें। हाथों की हथेली की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते जाइए और इसको साथ साथ गोल यूं करते जाएं, किनारे इसके गोल करते जाएं ताकि ये कबाब की शक्ल इख्तियार कर ले। बहुत जूसी, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में, आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी। इसमें कोई बाज़ार का मसाला नहीं है और बिल्कुल सिंपल सिंपल से मसाले हैं, बहुत कम मसाले हैं और इसमें बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ज़्यादा मसाले डालने से जो चीज़ का असली जायका होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप ये ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। अब चाहें तो आप यहाँ पे टमाटर का स्लाइस लें और साथ इसमें यहाँ पे रखते जाएं। कुछ में मैं ऐसे करूँगी, कुछ मैं टमाटर के स्लाइस के बिना रखूँगी, कुछ मैं टमाटर के स्लाइस के साथ रखूँगी। इस तरीके से इनके कॉर्नर्स करते जाएँ, बनाते जाएँ। ये देखें कितना अच्छा, इस आप इसकी लुक देख लें, बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऐसे मैं यूँ बना के ट्रे में रखती जाऊंगी। मैं सारे बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब सारे बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने कुछ के ऊपर मैंने टमाटर के स्लाइस लेके लगा लिया है और ये मैं फ्राइंग करती हूँ। ये मैंने हल्का सा ऑयल लिया और ये मैंने डाल दिया। 3-4 मिनट के बाद हम साइड पलट लेंगे। ये देखें, मैं साइड पलट चुकी हूँ। पक जाए तो डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें जी, हमारे बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यमी किस्म के चपल कबाब तैयार हो चुके हैं। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।